वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले मैंने जनरल जो मेजरमेंट है, लेंथ मेजरमेंट या डिस्टेंस मेजरमेंट जिसको आप बोल रहे हो, उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो वो देख ले। और उसमें से मैंने दो चार एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो वो एग्जाम्पल्स आप देख ले। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज। तो बेसिक यूनिट जो है लेंथ की वो होती है मीटर। ठीक है, ये जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब जो मैंने बताया था आपको, तो उसमें मैंने बेसिक यूनिट बताई थी लेंथ की। तो बेसिक यूनिट जो होती है वो लेंथ की मीटर होती है। वैसे मीटर को हम किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या किलोमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट होगी वो मीटर होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, हाउ मेनी किलोमीटर्स वर इन 3750 मीटर। मतलब 3750 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, आपको ये ब्लैंक फिल करना है। तो कैसे, मैंने बताया था कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बताई हुई है। तो जब भी हम 3750 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3750 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जब नीचे जीरो हो तो हम उतने ही जीरो काउंट करके ऊपर उतने ही प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहां पर 1 2 3 3 0 है, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, और 3 और 7 के बीच में हम यहां पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा किलोमीटर। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो क्या करना है हमें, जब हम कम से ज्यादा में करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज है। तो क्या करेंगे हम इसको, 1 by 1000 कितना आएगा, 1 2 3। अब यहां पर तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगा देंगे। किसी भी नंबर के आगे अगर आप जीरो लगाते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। भाई आप इसके सामने कितनी भी जीरो लगा लो, ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसके बाद जीरो लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले जीरो लगा देंगे। हमें कितना चाहिए, हमें तो 1 2 3 3 चाहिए। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब 0.001 किलोमीटर बन गया। कितना आसान है ये, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को अभी भी डाउट लग रहा हो तो वो बता देंगे, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं फिर से ये बातें रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जब आप छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही अगर मैं पूछूं
कि हमें कितना 5 किलोमीटर का मीटर बनाना है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैं पूछूं कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये आपको ब्लैंक फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 5000 मीटर। बहुत ही सिंपल है। अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड करोगे। सिंपल है। इसके बाद अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ऐड करना है। जब भी हम ऐड करेंगे तो मीटर मीटर को ऐड करेंगे और किलोमीटर किलोमीटर को ऐड करेंगे। जब हमारे मीटर जो होंगे 1000 मीटर हो जाएगा तो वो अपने आप 1 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं किलोमीटर और यहां पर हम लिख लेते हैं मीटर। दिया हुआ है 24 किलोमीटर 350 मीटर, आप इनको ऐसे लिखोगे। इसके बाद सेकंड दिया हुआ है 113 किलोमीटर एंड 840 मीटर, इनको आपको ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल ऐड कर देंगे। 0 0 5 4 4 9 8 and 3 11। अब 11 का जो 1 है भाई ये क्या बन गया, अब इसको छोड़ दो, आप ये बन गया, ये क्या बना है हमारे पास 1190 means 1190 meter। अब 1000 में तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो 190 meter को तो हम यहीं पर रहने देंगे और 1 किलोमीटर जो होगा इसको हम किलोमीटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कैरी लगा लेंगे। ठीक है, अब 4 और 3 7 7 और 1 8 2 और 1 3 और ये 1, तो हमारे पास कितना आंसर आया 138 किलोमीटर, मतलब 138 किलोमीटर एंड 190 मीटर, इसके पीछे हम लगा देंगे किलोमीटर। हो गया। इसके बाद यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वही किलोमीटर लिख लेंगे, यहां पर मीटर लिख लेंगे। डिजिट दी हुई है 28 किलोमीटर 750 मीटर, सेकंड दिया हुआ है 39 किलोमीटर एंड 540 मीटर, अब इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, मीटर के नीचे मीटर, और जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। 0 5 4 9 7 5 12, अब 12 को यहां पर लिख दिया, अब ये हो गया 1290 मीटर। 1000 में 1 किलोमीटर बन जाएगा, तो इसको हम यहां से हटा देंगे, इसको हम किलोमीटर के साथ ऐड करेंगे, ये 1 कैरी लगा देंगे क्योंकि ये 1 किलोमीटर जो है वो यहां से आया। अब क्या हो गया 8 and 9 17 17 और 1 18 18 का 8 कैरी 1, यहां पर 1 कैरी है, तो 3 2 5 और 1 6, ये आ गए हमारे 68 किलोमीटर एंड 290 मीटर। क्लियर है, यहां तक हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में भी वही फॉर्मूला लगेगा, किलोमीटर के नीचे आपको किलोमीटर लिखना है और मीटर के नीचे मीटर लिखना है। तो थर्ड है हमारा सब्ट्रैक्ट, किलोमीटर मीटर। देखिए क्या दिया गया है, 82 किलोमीटर 250 मीटर, और सेकेंड दिया हुआ है 67 किलोमीटर 180 मीटर।
सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा देंगे हम। अब जीरो, ये फाइव है, ये एट है, तो यहां से हम कैरी लेंगे, क्या हो गया 15, 15 में से एट गया, सेवन, यहां पर बचा वन, तो ये जीरो, मतलब ये 70 मीटर आया है। अब ये टू है, सेवन है, यहां से कैरी लेंगे, 12 बन जाएगा, 12 में से सेवन गए फाइव, यहां पर बचा सेवन, सेवन में से सिक्स गए वन, तो ये कितना बचा 15 किलोमीटर 70 मीटर। क्लियर है? इसके बाद जो इसका सेकंड है, थर्ड का सेकंड, उसमें डिजिट दी हुई है 59 किलोमीटर 95 मीटर, किलोमीटर मीटर, 59 किलोमीटर है, 25 मीटर है। इसके बाद है, सॉरी 95 है, और 28 किलोमीटर एंड 46 मीटर। अगर इसके पीछे आप जीरो लगा लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो 5 है, यहां से कैरी लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, ठीक है? यहां पर 8 बचा, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 2 गए 3, तो ये बचा 31 किलोमीटर एंड 49 मीटर, ठीक है? तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, आपको किलोमीटर के नीचे किलोमीटर डिजिट लिखनी है और मीटर के नीचे मीटर, चाहे उसके पीछे जीरो दी गई हो या नहीं दी गई हो, वो आपको किलोमीटर के नीचे ही हमेशा किलोमीटर लिखना है। अगर आप किलोमीटर के नीचे मीटर लिख दोगे तो आपका पूरा एडिशन पूरा सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको लैंग्वेज बनाकर लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो रोल ऑफ वायर है, मतलब जो वायर एक रोल में लिपटी हुई है, एक दूसरी वायर जो है वो रोल में लिपटी हुई है। पहली जो वायर है उसकी लेंथ है 80 किलोमीटर, कितनी है 80 मीटर 20 सेंटीमीटर, और सेकंड जो वायर है उसकी है लेंथ 86 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर, जो भी मतलब लेंथ आपकी दी हुई है वो इस टाइप से दी गई है, तो आपको टोटल लेंथ बतानी है। जैसे मैं कह रही हूं कि एक बच्चे के पास है वायर, दूसरे बच्चे के पास भी वायर है, एक बच्चे की वायर की लेंथ है मान लीजिए 10 मीटर, दूसरे बच्चे की वायर की लेंथ है 15 मीटर, तो मैं चाहती हूं कि दोनों वायर को हम जोड़ दें तो टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी बनेगी, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? दोनों को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, तो एडिशन करेंगे, ठीक है? तो दोनों को ऐड करेंगे, हम लैंग्वेज बना देते हैं इसकी। लेंथ ऑफ वायर इन फर्स्ट रोल, फर्स्ट रोल के अंदर जो वायर की लेंथ है वो दी गई है 80 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है? मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वायर इन सेकेंड रोल, सेकेंड रोल के अंदर कितनी दी गई है 86 मीटर 56 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमें बतानी है टोटल लेंथ, किसकी है टोटल लेंथ, वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6 5 टू 7 6 8 8 16, तो ये मीटर में हमारे पास वायर की लेंथ आ गई, ठीक है? क्लियर है ये? इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक कोई आदमी है वो कहीं जा रहा है, उसने ट्रेन से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल
ट्रेवल किया, मतलब वो पहले ट्रेन में बैठा और ट्रेन से वो मान लीजिए कितने 100 किलोमीटर चला गया। उसके बाद ट्रेन से उतरकर वो किस में बैठा, बस में बैठा, और बस में बैठकर वो मान लीजिए 50 किलोमीटर चला। तो आपको बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया। तो हम क्या करेंगे, जो बस में डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो और जो ट्रेन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ देंगे हमें पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जो लैंग्वेज होगी वो बनाएंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है उसने, 180 किलोमीटर 550 मीटर। तो यहां पर किलोमीटर है और यहां पर मीटर है, 180 किलोमीटर 550 मीटर। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सॉरी पहला जो है वो ट्रेन से है, पहला वाला ट्रेन से है, दूसरा वाला बस से है, तो ये बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस से, 28 किलोमीटर एंड 250 मीटर हो गया। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो एडिशन है वो आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, जिस बच्चे का आंसर नहीं आता है वो मुझे ये बताएंगे कि मैम हमारा आंसर नहीं आया है, हमें ये करके दिखा दो। और जिस बच्चे का आंसर निकलेगा वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। ओके, तो आप अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल शायद लेंथ होगा, अगला टॉपिक आपका वो मैं देखूंगी, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। डायरेक्ट अगर हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप समझो, आप एग्जांपल्स करो और उसके बाद आप एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो फिर भी मैंने सॉल्व करवा दी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन आगे एक्सरसाइज मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।